देखिए आज हमारे क्योटी में तीन बड़ी प्रमुख सड़कें थी जिसकी बड़ी जर्जर स्थिति बनी हुई थी, जिसमें हाजीपुर छतवन, ननौरा मोहम्मदपुर खिरमा दरवारा, ये आरियो की सड़कें थी। एक साल पहले मैंने अपने अनुशंसा से और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस आरियो को सरकार ने PWD में लिया और तब से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसको अधिग्रहण किया गया आरियो से और आपको जान के खुशी होगी कि दोनों रोड पे काम भी शुरू हो गया, ननौरा मोहम्मदपुर में भी और हाजीपुर छतवन में भी। अब जो ये सड़क बनेगी PWD की, तो बड़ी चौड़ी सड़क बनेगी और बड़ी अच्छी सड़क बनेगी, क्योंकि PWD इसको मेंटेन भी करेगा तकरीबन तीन साल तक। और यहाँ पे जो खिरमा जलवाड़ा, इसकी भी स्थिति बड़ी खराब थी, तो इसको भी पिकअप कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से इसकी तीनों की लागत तकरीबन मुझे लगता है 8.5 करोड़, 5 करोड़ और 5.5, ये तकरीबन 19 करोड़ लगभग के करीब की ये सड़कें बन के तैयार होंगी। ये जलवाड़ा तो अब छछुआ को भी जोड़ देगा, मतलब बिस्वी से भी लोग की अब कनेक्टिविटी जो इस ब्लॉक की है, इस यहाँ आने की, इस फिरमा मार्केट आने में बड़ी आसानी होगी। अब जो है इसी वजह से, क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है और महामारी है, तो हम लोगों ने कहा कि छोटा प्रोग्राम रखा जाए, ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सैनिटाइजेशन सब हम लोगों ने इंतजाम करके तभी ये, तो हम लोग बड़ा प्रोग्राम करते, लेकिन प्रशासन का आदेश था इसलिए सम्मान करते हुए हम लोगों ने एक छोटी गैदरिंग रखी। और इसी वजह से आज एक ऐतिहासिक दिन कही है क्योटी के लिए, यहाँ के इलाके के लोगों के लिए, कि इतनी अच्छी सड़क ये जो बन के तैयार होगी, तो सही माने में जो परेशानी है लोगों को आने जाने, बड़ी दिक्कत है, कई मरतबा एक्सीडेंट भी हुआ इस सड़क के अंदर, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो मैंने मेहनत किया था वो कम से कम आज वो पूरा नज़र होते हुए आ रहा है। एक शानदार सड़क इस इलाके के लिए बनके तैयार होगी। और एक और सड़क जिसकी लागत तकरीबन सिमरी तारालाही पथ, जिसकी लागत 27 करोड़ है, वो भी PWD में फाइनल हो गया है, उसका भी कॉन्ट्रैक्टर निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं इस महीने वो भी पूरा हो जाएगा। तो सब रोडों को अगर आप मिला लीजिएगा तो तकरीबन ये 47-48 करोड़ रुपये की ये सड़क बनके तैयार होगी। तो विकास के मामले में क्योटी कहीं पीछे नहीं हट रहा है और हमेशा आगे बढ़ा है। आज इस स्कूल की बिल्डिंग में आप बैठे हैं, आज जो स्कूल की बिल्डिंग में बैठे हैं आप, वो भी बन के तैयार हुआ। आज असराहा चले जाइए, असराहा में 57 करोड़ रुपए की एक सड़क बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, जिसकी टेंडर भी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भी फाइनल हो गया, वो भी काम शुरू करने जा रहा है। 1000 बच्चे बच्चियाँ को फ्री रहना, खाना पीना और साथ में नर्मोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बराबर की पढ़ाई, वो भी वहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है। तो 2600 पंचायत का इसको फायदा होगा। तो तकरीबन अगर आप जोड़ लीजिए, विकास के मामले में शिक्षा हो, विकास के मामले में सड़क हो, बिजली हो, इसी को हम लोग देखते हैं, और स्वास्थ्य, ये चीज़ें जो हैं अग्रसर, ये बात सही, बहुत सारी चीज़ें कमी रहती है, निश्चित रूप से आगे भी हम लोगों को काम करना है। तो आगे क्योटी बढ़ रहा है, मुझे लगता है पूरे अगर 6 विधानसभा को देखिएगा तो क्योटी सबसे आगे है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी का कृपा आपके ऊपर बरसने लगा है? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना भी काम किया जाए। आज स्पेशल पैसा दिया है, एक आज आपको बताएं, एक रोड है एक सिंगवारा में, मालपट्टी से कनौर मुसहरी कहते हैं उसको, जो हमेशा बाढ़ में वो पूरा टापू बन जाता है गाँव, मालपट्टी और कनौर गाँव। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल पैसा, ताकि 4,81,00,000 रुपए की सड़क अनुशंसा करके दी, तो ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी सौगात है, उसका टेंडर अभी होने जा रहा है। तो आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ सड़क को अगर आप देखिएगा, आरियो की सड़क हो, PWD की सड़क हो, या हमारे अनुशंसा है सड़क है, कम से कम 100-125 सड़कें हैं जो इसका शिलान्यास हम लोग कई का सड़क का कर चुके हैं, कई सड़क अभी शिलान्यास होना बाकी है। ये 3-4 महीना कोरोना की वजह से बहुत सारे काम रुक गए, लेकिन तेजी लगाई है हम लोगों ने, दोनों डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है कि तेजी लाइए कामों के अंदर। तो एक बहुत अच्छा काम इस इलाके के लिए होने जा रहा है। मैं यहाँ के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ इस सरकार का, कि एक अच्छा काम इस इलाके का विकास का ही है, क्योटी एक आगे अपनी तरफ बढ़ रहा है। आपको बताएं, जहाँ आप आते हैं दिल्ली मोड़ से हाईवे आप देख सकते हैं जयनगर तक, इस जब तक मैं विधायक था तो ये सड़क नहीं बनी थी। जब मैं विधायक बना तो मैं खुद गडकरी जी को मैंने चिट्ठी लिखी और मिला, और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से शानदार सड़क बनकर तैयार है। ये NH में भी कन्वर्ट हो गया है, तो नेपाल तक जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। कहिए, एक मुख्य सड़क कहा जाता है,
एक दिल क्यूटी की दिल अगर कहा जाता है तो ये हाईवे है, तो एक बहुत बड़ी समय सौगात इस इलाके को मिली है। तो हम कहीं भी विकास के नाम पे वो पीछे नहीं हट रहे। आज सुलेश गेट है, तकरीबन 22 करोड़ रुपए का सुलेश गेट का टेंडर होने जा रहा है। दो का टेंडर हो गया, एक फुलकाई में बनेगा, एक असराह में बनेगा, तीसरा क्याम, चौथा डूम है। तो ये आप सबको अगर जोड़ लीजिए, करोड़ों रुपए का काम विकास का अगर किया होने जा रहा है तो क्यूटी के अंदर होने जा रहा है। तो इसलिए मैं अपने दिल की गहराई से मंत्री जी का भी और सरकार का भी शुक्रिया करता हूं। मंत्री जी को जो ठेस पहुंचा पार्टी में, उसको लेकर क्या आप भी मतलब कहीं ना कहीं? देखिए, मंत्री जी के बारे में चर्चा करना है तो आप मंत्री से बात कीजिए, लेकिन हमको उनके बारे में, क्योंकि वो उनका पर्सनल, जिस तरह से आपने अपने भाषण में जो मैंने जो बात कही है कि सम्मान और इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। जहाँ पे सम्मान इज्जत रहेगा, जो हमें देंगे हम उनके साथ खड़े हैं और ईमानदारी से खड़े हैं, धोखा नहीं देते किसी को। भाई हमारे जो अली अशरफ फातमी साहब जिस तरीके से ईमानदारी से जहाँ रहते हैं वहाँ हैं, उसी तरीके से मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाला लड़का हूँ। जो ऐसा वो कहेंगे, जो ईमानदारी के साथ जिस पार्टी के साथ रहेंगे, मैं भी उसी तरीके से खड़ा हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ बातें हुई है आपको? मुख्यमंत्री जी का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना हुआ है। हम तो उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा काम आज क्यूटी में आज दे रहे हैं वो। इससे बड़ी बात देन और सौगात क्या हो सकती है? आज इस इलाके की तरक्की हो रही है, इससे अच्छे सरकार में मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा। और क्या, कब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, अभी पार्टी के बारे में चर्चा मत कीजिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि आज मेरा लक्ष्य है कि इस इलाके की तरक्की हो, विकास हो। जो हमें सम्मान देगा, जो हमारी इज्जत करेगा, जो हमें साथ रखेगा, हम उसके साथ। विधायक जी, 2019 में इस स्कूल का उद्घाटन हुआ था, एक साल हो गया है इस स्कूल के आने वाले जो रास्ता है अभी तक उसका मतलब ठीक से वो नहीं। देखिए, यहाँ पे कुछ समस्या है, यहाँ पे कुछ अधिग्रहण का भी मामला है और हम लोग ने कई बार कोशिश भी किया। यहाँ पे एक नई बिल्डिंग भी हम लोगों ने इस स्कूल में दिया है जो हॉस्टल बनना है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। कुछ वजहों की वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि गांव और समाज में मिलकर के इसको खत्म किया जाए। उम्मीद करते हैं कि वो भी सुलझा लिया जाएगा और जहां तक प्रिंसिपल साहब को जो भी हमसे मदद चाहिए होगी हम उनकी मदद करेंगे। उसको कुचलने का काम करेगा तो आपको कितना काम करेगी साहब? इसमें कोई कमाने की जरूरत नहीं है। आने वाला कल इस इलाके की तरक्की के लिए जो भी डॉक्टर प्रयास करते हैं आप लोग, आप लोग चाहेंगे जो धन चाहेंगे आप निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए, हम लोग मिल के काम करेंगे, आगे चल के काम करेंगे और इस इलाके की तरक्की के लिए कभी डॉक्टर प्रयास करते हैं किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बनता जाएगा, आपकी खिदमत हमेशा करता रहेगा। जय हिंद। आज के इस विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। आज आप देख लीजिए, दो सुरेश गेट जिसका रीटेंडर हो गया है साथियों, जिसकी लागत चेक डैम, बहुत लोग सुरेश गेट नहीं समझता है। बहुत किसानों को जब सूखा पड़ता है तो पानी की समस्या होती है, खेती के अंदर पानी नहीं मिलता है आपको खेती करने के लिए। आज आपको जान के खुशी होगी, 4 का हम लोगों ने टेंडर करवा दिया है, इसका 2 का फाइनल हो गया है, एक फुलकाई और दूसरा असराह, दो जिसकी लागत होगी तकरीबन 12-13 करोड़ रुपए से वो बनेगा, और तीसरा बनेगा ज्ञानचक और चौथा बनेगा गोलमेज। 4 सुरेश गेट जिसकी पूरी लागत 20 करोड़ के करीब है, 20 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ चेक डैम सुरेश गेट बनने जा रहा है गोलमेज के अंदर साथ। अरे गिनती कराइएगा, गिनती कराते कराते थक जाइएगा जो हमारे दुश्मन होंगे। इतना काम हुआ है साथियों, अरबों रुपए का तो सिर्फ बिजली का काम हो गया इस 5 साल के अंदर, कोई नकार नहीं सकता है। पोली हो, वायरिंग हो, ट्रांसफार्मर हो, कोई नकार नहीं सकता। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि क्यों भी अगर पूरे क्षेत्र के क्षेत्र विधानसभा में आगे बढ़ रहा है तो क्यों भी आगे रहा है, सबसे आगे काम किया है। तो ऐसे हो जाता है, इंजीनियर को पकड़ना पड़ता है, कंपनी को पकड़ना पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बजाज कंपनी, जैक्सन कंपनी। कई बार तो हमारे मुखिया जी बोलते हैं, फोन करते हैं, विधायक जी ट्रांसफॉर्मर ले लिया है, विधायक जी वायरिंग करवा ली, विधायक जी। अब कोई नकार नहीं सकता है यहाँ पे कि डॉक्टर प्रयास वाणी को जिसने कॉल किया हो उसका जवाब उसको नहीं दिया हो, सम्मान के साथ उसको अपनी मदद करने का काम करते हैं साथ में। अरे डॉक्टर प्रयास वाणी क्या है, भतीजा है आपका, भाई है, जो हमको इज्जत आप लोगों ने दी है। आज जो भी विकास का काम हो रहा है साथियों इलाके में, मैं इस मुकाम पे हूँ तभी हो रहा है साथ। आप लोगों ने मुझे जिता करके भेजा, आप लोगों की दो राशि राष्ट्र में जीत करके भेजा,
मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ आप तमाम लोगों से, कई इलाके से लोग आए हुए हैं मेरे पास, आप लोगों की दुआ चाहिए, आपको मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलिएगा, निश्चित रूप से क्योंकि कभी पीछे नहीं हटने दूंगा, मैं आपको वादा करना चाहूंगा, हमेशा आगे रहेगा साथ में, कभी पीछे नहीं हटेगा। और ईमानदारी जो जज्बा है वो जज्बे के साथ हम लोग काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स मत देखिए, देखना है तो सिर्फ डॉक्टर प्रयास मांगी को देखिए, किस तरीके से आपके साथ काम किया है, 5 साल किया आपके साथ मिलकर के, क्या उसने कृपा की है, उसी का कामयाब है, उसी की दुआ आपको फिर से मुझे आशीर्वाद देना होगा। पंचायत में यहाँ बड़ा काम हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं विधायक जी, खुद यहाँ पर आए थे जी, विधायक जी खुद यहाँ पर आए थे आपके क्षेत्र में, जो बड़ा काम हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये क्या कहना, हम लोग के लिए तो सोने पे सुहागा है, 10 साल हम लोगों के पास विधायक नहीं थे, 10 साल के बाद 5 साल में विधायक, हम लोग की रोड की बुरी दशा थी, विधायक जी की मेहनत से लगभग 10 करोड़ रुपए का योजना स्वीकृत हुआ PWD से, और अब काम होने के स्टार्ट हो रहा है समझ लीजिए, तो हम लोग को पूरा पंचायत को खुशी है। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और जाकर